फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गुरुवार पूजा के लिए स्पेशल महाप्रसाद से दो रेसिपी बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज हम एक राइस का रेसिपी बनाएंगे जो घी अन्न और एक मिक्स वेज बनाएंगे जिसको बोलते हैं बेसर। तो सबसे पहले बेसर के लिए क्या क्या चाहिए जान लेते हैं। आलू को छोड़ के जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होता है, जैसे हमें ली हूँ वैसे आप ले सकते हैं। एक्चुअली महाप्रसाद में आलू नहीं डलता है। तो यहाँ मैं ली हूँ ये कद्दू, बीन, परवल, कच्छू, मूली, ये शकरकंदी, थोड़ा सा ये याम, जो उड़िया में इसको माटी आलू बोलते हैं, थोड़ा सा बनाना को मैं काट के इसको पानी में डाल दी हूँ। और आप इसमें खेक्सा डाल सकते हैं, बरबटी डाल सकते हैं, बरबटी मुझे मिला नहीं। तो इसके लिए हमको एक मसाला का पेस्ट चाहिए जो बेसर बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ मैं सरसों ली हूँ, जीरा, काली मिर्च, सौंफ और अदरक। तो इसको हम मिला के, थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट बना लेते हैं। और इसको साथ हमको चाहिए ग्रेटेड कोकोनट। इसमें एक्चुअल नाड़ी बड़ी डलता है, लंबा लंबा रहता है। अगर आपके पास नाड़ी बड़ी नहीं है तो ये नॉर्मल जो उड़द दाल की बड़ी है, इसमें कुछ भी डाला नहीं है, बस उड़द दाल है, तो ये बड़ी भी यूज कर सकते हैं। और ये बूटा हम लोग बोलते हैं, ये काला चना है, इसको आधा से एक घंटा भिगो के छोड़ दीजिए, फिर इसको हम यूज करेंगे। इसमें हम तड़का लगाएंगे नहीं, तो डायरेक्ट इसको डालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा जीरा ली हूँ, ये गुड़, थोड़ा सा नमक यूज करेंगे, हींग, हल्दी पाउडर और देसी घी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। इसमें मैं आधा कप पानी डाल के इसको पेस्ट बना ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हमको बनाना है उस बर्तन पे जितना भी वेजिटेबल्स लिए हैं और बूटा, जो काला चना, सबको इसमें डाल देंगे। नारियल को भी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हल्दी, हम सरसों और जीरा रखे थे इसको भी डाल देंगे, और ये जो हम पेस्ट बना के रखे थे इसको भी डाल देंगे। इसके साथ हम दो कप पानी ऐड कर देंगे। बड़ी को हम थोड़ा फ्राई करके डालेंगे। हींग, गुड़ और घी, ये तीनों को हम बाद में डालेंगे। तो पहले हम बड़ी को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, फिर इसमें डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और ये बड़ी को डाल देंगे। इसको हल्का सा लाल होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा हल्का हल्का लाल हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको भी सब्जी के साथ मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक बार मिला लेते हैं। ऐसे तो ये मिलाया नहीं जाता है, डायरेक्ट ही आग से पकाया जाता है। मंदिर में इसमें ना कलछी लगता है ना ढक्कन लगता है। तो इसको हम अभी गैस पे मिठा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम अभी लो फ्लेम पे ही 15 मिनट पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 10 मिनट हो गया है, सब्जी थोड़ा सा पक गया है। अब इसमें हम हींग डाल देंगे ताकि ये सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसको पानी में घोल के भी डाल सकते हैं। इसको हम एक बार चला देंगे। अब इसको ढक के हम और 15 मिनट सीम पे ही पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा सब्जी बन रहा है तब तक हम घी और अन्ना बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, घी और अन्ना बनाने के लिए एक बर्तन पे हम पहले पानी गरम कर लेंगे। इसमें मैं अरवा चावल को धो के रखी हूँ, इसको डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और हम जितना चावल लिए हैं उतना घी डाल देंगे। इसके साथ हाफ लेमन का रस डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारा चावल जो है ये खिला खिला बनेगा। मैं यहाँ हिला दे रही हूँ, ऐसे मंदिर में इसको हिलाया नहीं जाता है। तो हम ढक के हाई फ्लेम पे बॉयल आने देते हैं, फिर इसको सीम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बॉयल हो गया है।
गैस को हम सीम पे कर देंगे और सीम पे 10 से 15 मिनट कुक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 10 मिनट हो गया, हमारा चावल का पानी भी सूख गया है। देखिए खिला खिला ही है ये, इसको हम जब ठंडा कर लेंगे तो ये ऐसे गोटा गोटा ही रहेगा, लेकिन ये कुक हो गया है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 15 मिनट हो गया है, सब्जी हमारा पूरा कुक हो गया है। सब्जी अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को आप पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, ये गर्म में ऐसे भी पिघल जाएगा। 2 मिनट हम ऐसे छोड़ देंगे। और इसके साथ ये घी डाल देंगे। अब इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर हम मिट्टी के हांडी में बनाते इसका फ्लेवर आ गया, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। हींग नारियल का जो खुशबू है बहुत अच्छा आ रहा है, सौंफ का। अगर हम इसको मिट्टी के हांडी में बनाते तो जो पानी है हम इसको 10-15 मिनट छोड़ देने से ही सूख जाता। इसको हम और 5 मिनट छोड़ देते हैं तो पानी भी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बेसन बन के रेडी हो गया है। देखिए ये ड्राई हो गया, गैस को मैं बंद कर दी। ऐसे भी ये मंदिर में जो बनता है उसमें कलछी वगैरह कुछ नहीं जलता है, मिट्टी के बर्तन में एक बर्तन के ऊपर एक बर्तन रख के उसको बनाया जाता है, स्लो कुकिंग प्रोसेस में उसको बनाया जाता है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा घी अन्ना और ये हमारा बेसर बन के रेडी हो गया। अब इसमें हम अगर भगवान जी को चढ़ा रहे हैं तो तुलसी का पत्ता जरूरी है, लेकिन फ्रेंड्स आप याद रखिए, अगर इसको लक्ष्मी जी को अर्पण करना है तो इसमें तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी मत डालिए। फ्रेंड्स, आप सबको ये रेसिपी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय।